कर्नाटक का किंग कौन? कांग्रेस। कांग्रेस के लिए कर्नाटक की जीत जितने मायने रखती है उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है बीजेपी के लिए उसकी हार। कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं बीजेपी की हार के बारे में, क्योंकि ये हार सिर्फ बीजेपी की नहीं, ये हार है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हार है मोदी मैजिक, जो कि अब फीका पड़ गया है। वो मैजिक जिसके बारे में कहा जाता है कि मोदी का तो बस नाम ही काफी है, और जहां उनके कदम पड़ जाए वहां तो चुनाव में जीत पक्की है। ये हार है प्रधानमंत्री मोदी के उस घमंड की जिसकी वजह से उन्होंने राज्यसभा में ये कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। क्या हुआ? चूर चूर हो गया घमंड। 19 रैली, 6 रोड शो, जिनमें से एक 8 घंटे का था, सब पर पानी फिर गया। सच तो ये भी है कि जो हिंदू मुस्लिम एजेंडा बीजेपी की तलवार की धार है उसमें भी अब जंग लगने लगी है। कर्नाटक चुनाव से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एजेंडे को धार देने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बजरंगबली के नाम का सहारा लिया। अपनी जनसभाओं में कहा कि कांग्रेस की मंशा है बजरंगबली को बैन करने की। उन्होंने कहा कि बजरंगबली को ताले में बंद करने की कोशिश है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब आप वोट देने जाएं तो बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाएं। हुआ भी यही, बजरंगबली का नाम लिया गया, बटन दबाया गया और फिर कांग्रेस को वोट दे दिया गया। दरअसल जनता इतनी भी भोली नहीं कि ये ना समझ पाए कि आपका यानी कि मोदी जी का असल उद्देश्य क्या था। इसी बीच एक फिल्म रिलीज होती है, नाम है द केरला स्टोरी। अब क्योंकि फिल्म लव जिहाद, रिलीजियस कन्वर्जन और हिंदू मुस्लिम पर बनी थी, जो कि बीजेपी और मोदी का फेवरेट टॉपिक है, तो उन्होंने जनता से अपील की कि ये फिल्म देखें और देखें कि कैसे कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देती है। वो कहना क्या चाहते थे ये बात सबकी समझ में आ रही थी। अब बात करते हैं नागालैंड और त्रिपुरा के चुनावों में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, विरोधी कहते हैं मोदी मर जा और देश कहता है मोदी मत जा। इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन कर्नाटक में देखने को मिला। इस बार उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे गाली देते, कांग्रेस ने मुझे 91 बार गाली दी। जनता की सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने खुद के लिए अपने ही मुंह से भरी जनसभा के बीच वो गालियां निकाली जिन्हें कोई सभ्य इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा, यानी वो पासा भी उल्टा पड़ गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक राज्य की बात है तो ऐसा नहीं है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, जैसा कि अमित शाह कहते हैं, इसी साल मार्च में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव हुए थे, जिनमें त्रिपुरा में बीजेपी ने 32 सीट हासिल की थी, जो कि बहुमत के आंकड़े के पार था। जश्न मनाया गया, मनाया भी जाना चाहिए था, लेकिन बात मोदी मैजिक की हो रही है। तो इस चुनाव से पहले जो चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने त्रिपुरा में 36 सीट हासिल की थी, यानी इस बार 4 सीटों का नुकसान हुआ। और इससे ज्यादा चिंता की बात यह रही कि बीजेपी का वोट प्रतिशत 43% था, जो कि घटकर 39% रह गया। इसके अलावा नागालैंड और मेघालय में जो सरकार बनी है बीजेपी उसमें शामिल तो जरूर है, लेकिन एक जूनियर पार्टनर के तौर पर। नागालैंड में बीजेपी को 12 सीट मिली थी और जिसके साथ गठबंधन किया यानी कि एनडीपीपी उसे 25 सीट मिली थी। मेघालय में एनपीपी के साथ गठबंधन किया गया और सरकार बनाई गई, यहां बीजेपी को मात्र 2 सीट मिली थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो हिमाचल प्रदेश में 68 में से 40 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी को 25 सीट मिली और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। यानी जिस तेजी के साथ बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊपर चढ़ी थी
उसी तेजी के साथ अब नीचे आ रही है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कई मायने हैं। तो सबसे पहले जहां मोदी मैजिक खत्म हुआ, वहीं राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा का असर और मैजिक दिखाई दिया। साथ ही जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रैली और जनसभाएं और भाषण दिए, वो ऐसा लगा कि जैसे वो एक नए अवतार में थी। इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्साह ने भी कर्नाटक जीत में अहम भूमिका निभाई है। अब हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत ने यह तो दिखा दिया कि कांग्रेस और राहुल गांधी, जिन्हें बीजेपी और मोदी विपक्ष मानने को तैयार नहीं थे, वही बीजेपी के लिए साल 2024 में होने जा रहे चुनावी महासंग्राम में सामने खड़े सबसे बड़े खिलाड़ी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें।